हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू एस राठौर। और मैं हूँ नीतू, और आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी आपसे स्प्राउट्स के बारे में। और सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि स्प्राउट्स खाने से आप बहुत ही हेल्दी रह सकते हो, और बड़ा ही हेल्दी सा ऑप्शन होता है। और तो जान लेते हैं पहले स्प्राउट्स होते क्या हैं। स्प्राउट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पल्सेस, नट्स, सीड्स, ग्रेन एंड बीन्स। इसको सोक इसलिए करते हैं जिससे कि ये इजी डाइजेस्ट हो सके, और इसको अंकुरित या फिर बोल सकते हैं जर्मिनेट इसलिए करते हैं जिससे इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और क्या आपको पता है कि दूसरे स्नैक्स के कंपेयर में स्प्राउट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, क्योंकि ये होते हैं लो कैलरी और इनके न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लोग डाइट पर हैं, जो लोग वेट लॉस के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है ये स्प्राउट्स। और क्योंकि इसमें सोडियम नहीं होता है, तो जो लोग हाइपरटेंसिव हैं या जिनका बीपी बढ़ा रहता है, उनके बीपी को कंट्रोल करने में ये बहुत हेल्प करता है। स्प्राउट्स खाने से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, शरीर से गंदगी निकल जाती है और ब्लड से टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये स्किन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से शुगर के मरीज के लिए एनर्जी का ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। खाने में भारी होने की वजह से ये लंबे समय तक पेट भरा भरा रहता है, और आप ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। इसमें सबसे अच्छी क्वांटिटी में फाइटोकेमिकल होता है, जो बीमारी से लड़ने में हमारी हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब बात आती है कि स्प्राउट्स क्यों बेहतर है, तो चलिए वो भी बता देती हूँ। किसी भी अनाज को सोक करने से लेकर उसके जर्मिनेशन के प्रोसेस के दौरान उसमें मौजूद प्रोटीन की गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्प्राउट्स में फाइबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एसेंशियल फैट हमारी डाइट का हिस्सा नहीं होता है, और स्प्राउट इस फैट के अच्छे सोर्स होते हैं। और कुछ बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए स्प्राउट्स लेने के पहले। अगर आप कच्चा स्प्राउट्स खाने जा रहे हैं, तो इसको गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर लें, जिससे कि इसमें मौजूद बैक्टीरिया, फंगस या फिर पेस्टिसाइड के थोड़े से पार्टिकल अगर होंगे तो वो निकल जाएंगे। स्प्राउट तलने या भुनने की बजाय कच्चा या भाप में पका हुआ खाएं। सैलेड, फ्रूट्स और पनीर मिक्स करने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और पौष्टिक गुण कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको खाने से कोलेस्ट्रॉल भी आपका बैलेंस रहता है, क्योंकि ये कैल्शियम रिच होता है, जो हमें ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचा सकता है। और एनीमिया में जो सोयाबीन स्प्राउट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है एनीमिक लोगों के लिए। अब बात आती है कि आप अपने स्प्राउट्स में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताऊँगी कि चना दाल, मूंग दाल और मूंगफली, सोयाबीन और थोड़े से मेथी सीड्स और हरी मटर, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग अपने स्प्राउट्स में शामिल कर सकते हैं। और अब मैं बताऊंगी कि नुकसान क्या हो सकते हैं। वैसे तो स्प्राउट खाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन किस कंडीशन में जो स्प्राउट्स आपको नुकसान कर सकते हैं। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो आपको स्प्राउट्स नुकसान ही खाना चाहिए, और काफ़ी दिन के रखे या लिस्टिसे स्प्राउट्स खाने से बचें। और राजमा को बिल्कुल भी स्प्राउट ना करें, टॉक्सिन हो सकता है।